कोटेक्स के ओटीसी पेयर्स में मैं आज कुछ ट्रेड लेकर दिखाने वाला हूँ। अभी फिलहाल आप देख सकते हो मेरे सामने बोइंग का जो है ओटीसी पेयर है, यहाँ पर जो रेड कैंडल है उसने गैप अप करके ओपनिंग ली हुई है। इस वजह से मैं यहाँ पर अप की अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूँ। अगर ये कैंडल ज़्यादा नीचे नहीं जाती है तो मैं अप का ट्रेड ओपन करूंगा नेक्स्ट कैंडल पर। ठीक है, देखते रहो वीडियो को, मैं काफ़ी टिप आपको शेयर करूंगा जिससे कि आप थोड़ा अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकोगे और देख पाओगे कि कैसे ओटीसी में ट्रेडिंग करते हैं। अब देखो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपका ट्रेड क्यों ओपन किया हुआ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो प्रीवियसली आप वहाँ पर देखो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे आया हुआ है, और उसके बाद जहाँ पर अभी मार्केट करंटली चल रहा है इसकी जो रेड कैंडल है उसने गैप अप करके, मतलब जहाँ से इसको बराबर लेवल से जहाँ लास्ट की कैंडल फिनिश हुई थी वहाँ से इसको ओपन होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में सडन बायर्स के आने की वजह से मार्केट अचानक से ऊपर जाने के बाद में ओपन हुआ है। ठीक है, तो इसको गैप अप कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड ओपन की है अपवर्ड डायरेक्शन में वो कुछ इस तरीके से ली है, क्योंकि जो रेड कैंडल है वो हिडन मिडल सपोर्ट पे नहीं आ पाया था। हिडन मिडल सपोर्ट क्या होता है, देखो कैंडल्स के मिडल में एक सपोर्ट होता है, उसके बारे में मैं कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी फिलहाल देख सकते हो जो हमने ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन की है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी यहाँ पर मान के चलो कोई बिगिनर होता तो वहाँ पर उसका मेंटेलिटी कैसे होता है, उसका साइकोलॉजी कैसा होता है, यहाँ पर वो देखता कि हाँ यहाँ पर रेड कैंडल बनी हुई है और प्रीवियसली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो वो बंदा क्या करता, यहाँ पर डाउन की ट्रेड ओपन कर देता और लॉस कर देता। लेकिन यहाँ पर हमें सारे सेंटीमेंट्स देखने पड़ते हैं, कैंडल्स की साइकोलॉजी को भी फॉलो करना पड़ता है, हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ता है कि कहाँ से जा सकता है मार्केट। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने फॉलो किया और 2 मिनट की मैंने जो है ट्रेड ओपन की हुई है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी विनिंग में चल रही है और कुछ देर में ये भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ऐसे ज़रूरी टिप्स को अगर जानना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं डेली आप लोगों के साथ में तरह तरह के पैटर्न्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ जिनको यूज़ करके काफ़ी लोग ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब पे वीडियो कभी कभी अपलोड करता हूं। ठीक है, तो यहां पर लेट में अपडेट मिलता है लेकिन टेलीग्राम पर सबसे पहले आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अलग चीज। ठीक है, क्या आज मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अभी देखो मैंने $50 की ट्रेड ओपन की थी और वो काफी अच्छी विनिंग में प्रॉफिट में जा चुकी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक परफेक्ट एनालिसिस, काफी डीप विन गया, एक भी मार्केट हमारे अगेंस्ट नहीं गया है, हमने क्लियर विन कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर डोजी बनना स्टार्ट हो गया था, मार्केट नीचे आएगा। अब देखो एक कुछ मैं और करेंसी पेयर्स ओपन करके आपको जो है नए ट्रेड्स प्लेस करके आपको यहां पर शो कर देता हूं, जिससे कि आपको एक और अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है, एक अचीव्ड ट्रेडर कैसे आकर ट्रेडिंग करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है व्हाइल ही इज ट्रेडिंग इन द मार्केट। ठीक है, अभी यहां पर देखो मार्केट काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेकर के डाउन आ रहा है। मैं यहां पर एक डेफिनेट टाइम फ्रेम यहां पर चूज कर लूंगा। देखो टाइम फ्रेम आपको खुद ही देखना पड़ेगा मार्केट को देखते हुए कि क्या हो सकता है। अगर हम 3 मिनट का ओपन करते हैं ट्रेड तो हो सकता है कि शुरुआत के 2 मिनट में हमारे थोड़ा अगेंस्ट में जाए या फिर शुरुआत की 2 कैंडल्स में मूवमेंट ही ना मिले, तो इस तरीके के सारे सिचुएशन देख करके तो एक्सपायरी टाइम को चूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर 1 मिनट की कैंडल यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 मिनट की ट्रेड ओपन करो, अगर सेफ ट्रेडिंग के साइड में अगर देखना चाहते हो तो। यहाँ पर देख सकते हो 3 जो है ब्लैक क्रोस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैंडल साइकोलॉजी का हिस्सा है, ये पार्ट होता है 3 ब्लैक क्रोस। मैं काफ़ी जल्दी इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो आगे बना दूंगा इसके बारे में, लेकिन उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब का। ठीक है, ताकि आपको मिल जाएगा आगे चल के वीडियो। अभी देखो यहाँ पर डाउन का मैं सिग्नल अटेम्प्ट करूँगा अगर अच्छा खासा डाउन में जाता है, लेकिन यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन लेकर के मार्केट आ चुका है, सो मुझे यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जाना पड़ेगा। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लेट एंट्री की जिस वजह से मार्केट फटाक से ऊपर चला गया और मेरी एंट्री जो है कहीं ना कहीं लेवल से ऊपर लगी है जाकर के। अब यहाँ पर देखो ऊपर लगी है लेकिन फिर भी जो मेरा एक्सपायरी टाइम है वो मेरा 2 से 3 मिनट का है, तो अगर उन 2 से 3 मिनट के बीच बीच में ये शुरुआत यानी स्टार्टिंग लेवल पर आता है जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है तो मैं एक ट्रेड फिर से ओपन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है तो। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा लंबा समय ना व्यतीत करना पड़े ट्रेड को चलते हुए देखने के लिए।
तो यहाँ पर हमारी ट्रेड क्लोज होने वाली है। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे आएगा तो हम एक और ट्रेड ओपन करेंगे, तो जैसे ही मार्केट नीचे आया था मैंने एक ट्रेड ओपन कर दी थी और मेरी दोनों की दोनों ट्रेड टोटली प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी हैं। क्लियर प्रॉफिट है अभी तक, हमारे तीनों सिग्नल जो हैं जो भी हमने ट्रेड किया है तीनों के तीनों श्योर शॉट निकले हैं। अभी चलो मैं कुछ करेंसी पेयर्स आपको एनालाइज करके और दिखा देता हूँ कि आप एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकते हो मार्केट में। देखो वीडियो वगैरह को ध्यान से देखा करो, कैसे बंदा ट्रेड कर रहा है, कैसे ट्रेड ले रहा है, इन चीज़ों को देखोगे ना तो तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग आते हैं मज़े के लिए, तो मज़ा लेने के लिए भाई कपिल शर्मा के शोज देखो जा करके, ट्रेडर्स के वीडियो नहीं देखे जाते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पर डाउन का ट्रेड क्यों ओपन किया है, इसके लिए सिंपल सा एक रीज़न है। वो ये रीज़न है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो लास्ट का कैंडल जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ग्रीन बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रेड कैंडल है जहाँ पर मैंने ट्रेड ओपन की है उसके जस्ट पहले जो रेड कैंडल है उसने जो है प्रीवियस जो कैंडल है ग्रीन वाली उसके हाफ से ज़्यादा तक नीचे आ गया था। तो ये एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, और इस वाली कैंडल पर रेड पर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी था, सो मुझे लगा कि हाँ मुझे डाउन का ट्रेड ओपन करना चाहिए, यही रीज़न था मेरे डाउन का ट्रेड ओपन करने के लिए। तो अब हम फाइनल डिपेंड करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है, हमारे फेवर में आता है और हमारे अगेंस्ट में आता है। सो ट्रेड का ख़त्म होने में कुछ सेकंड बचे हैं और देख सकते हो हमने विन किया, थोड़ा कम मार्जिन से विन किया, बट हाँ वी डेफिनेटली वॉन द ट्रेड, ठीक है। अभी चलो मैं कुछ आपको और ट्रेड्स वगैरह देखकर बता देता हूँ कि कैसे मैं ट्रेड्स वगैरह प्लेस करता हूँ। तो अभी तक हमने जितनी ट्रेड ली हैं सारी विन गई हैं, हमने काफ़ी अच्छा ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो यहाँ पर देखो चलो मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको बता देता हूँ। एक हॉरिजेंटल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद बार बार जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है चला जाता है, ठीक है, मतलब नीचे आता है, नीचे से रिजेक्शन लेकर के ऊपर चला जा रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अभी मैं ट्रायंगल भी आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर ट्रायंगल बना के भी आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, उस पर ट्रेड भी लेकर के दिखाऊंगा। ये देखो ये ट्रायंगल्स वगैरह पैटर्न होते हैं मार्केट के, जिनका यूज़ करके सारे लोग एक अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स को देख करके ट्रेड प्लेस करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन न्यू कमर्स को ये सब पता नहीं होता है। और जिनको नहीं पता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लो अगर ये सब जानना चाहते हो। तो अभी देखो मैं एक अपर लाइन में लगा कर दिखा देता हूँ कि ट्रायंगल कैसे बन रहा है। अब देखो डेफिनेटली मैंने ऊपर एक लगा दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन, अब वहाँ पर देखो वहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, एक लाइन हमने नीचे लगाई है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर बार बार जा रहा है, तो और एक ऊपर हमने लगा दी। तो अब यहां पर देखो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां पे एक ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है। मैथमेटिक्स किसी ने पढ़ी है तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। तो यहां पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, और जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करता है लेवल को उस डायरेक्शन में हम जाकर ट्रेड ओपन करेंगे। सो अभी मार्केट को ब्रेक करने में कुछ टाइम है, तब तक हम कुछ और करेंसी पेयर्स में ट्रेड वगैरह प्लेस कर देते हैं। अभी यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं ट्रेड लेने की, ठीक है। देखो जब कहीं पर मार्केट लगे कि हाँ थोड़ा सा टाइम ले सकता है तो करेंसी पेयर स्विच कर दिया करो। अब यहाँ पर देखो मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर से मैं वही पैटर्न वाली बात आ जाती है कि यहाँ पर कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ओपन कर दी है। मे बी ये ट्रेड रिस्की हो सकती है, बट वेट फॉर द रिजल्ट्स, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट ट्रेड पर जाने वाले हैं। अभी तो ट्रेड हमारे निगेटिव में चल रही है, अगेंस्ट में है, बट विविस की ट्रेड ये हमारी भी विन चली जाए, क्योंकि ट्रेडर की लाइफ में जो है विन और लॉस तो देखना ही पड़ता है। अभी देखो लास्ट का जो ग्रीन कैंडल था वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में था, और जो लास्ट का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर कप एंड हैंडल का अगर पैटर्न फुलफिल करता है तो डेफिनेटली हम ट्रेड को जीत जाएंगे, ठीक है, विन कर लेंगे। अगर ये एम पैटर्न को फॉलो करता है मार्केट तो हम ये ट्रेड कहीं ना कहीं लॉस कर देंगे, ठीक है। मेरी ये एंट्री कहीं कहीं थोड़ी जल्दी थी, मुझे एक और कैंडल के लिए वेट करना चाहिए था, बट स्टिल हम प्रॉफिट बना लेंगे। अगर एनालिसिस में दम है आपके तो डेफिनेटली प्रॉफिट उठा लोगे, वरना आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझोगे और लॉस करके मार्केट से चले जाओगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर काफ़ी वेट कर करके वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ मेन पार्ट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर घंटों बैठना पड़ जाता है एक ट्रेड के लिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स पर फोकस करो, आपका टाइम बच रहा है, इतनी आसानी से कोई आपको सिखा रहा है तो उसको यूटिलाइज करो, उसको सीखने की कोशिश करो। अभी ट्रेड हमारे टोटली निगेटिव
नेगेटिव में चल रही है। तो यहाँ पर हमें सेंटिमेंट्स नहीं खोना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या लॉस कर रहे हैं, हमें ये सोचकर चलना है कि हमने लॉस क्यों किया। मेरा यहाँ पर जो सेंटिमेंट निकल के आ रहा है कि मैंने यहाँ पर लॉस क्यों किया, वो यही निकल के आ रहा है कि मुझे एक और कैंडल के लिए वेट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया जल्दबाजी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मेरा फेल्योर है, इसको हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लॉसेस से कुछ ऐसे सीखने की कोशिश किया करो। तो अभी हमारी जो ट्रेड जो है लॉस में जा रही है, उसको हम मार्टिंगल के साथ में कवर कर लेंगे। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि आपको जो है वेट ना करना पड़े ज़्यादा। फिलहाल ये ट्रेड हमारे हाथ से जा चुकी है, तो हम नेक्स्ट ट्रेड में मार्टिंगल फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ को लग रहा होगा कि मार्टिंगल हम सेम डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, मतलब एक बार फिर से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ने लगाएंगे। तो नहीं मेरे ब्रदर, आप टोटली गलत सोच रहे हो। हमेशा एक ही डायरेक्शन में मार्टिंगल नहीं फॉलो किया जाता है। अभी देखो मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेकर के नीचे की ओर मोमेंट लेना चालू कर दिया है, तो यहाँ पर आप ट्रेड लगाना जो है बेवकूफियत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाउन का मार्टिंगल ट्रेड ओपन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो एम पैटर्न बनाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। हमने लास्टली जो है कप एंड हैंडल का लॉजिक लगाया था, बट वो फेल हो गया था। बट यहाँ पर जो एम पैटर्न है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है, और हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो एम पैटर्न से ही बनने वाला है। फिर से रिपीट कर दूं, अगर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये कप हैंडल, ये आखिर क्या होता है, बियरिश ट्रायंगल, बुलिश ट्रायंगल, ठीक है, इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो तुरंत के तुरंत टेलीग्राम पर पहले कॉन्टैक्ट कर लो। सारा सब कुछ नॉलेज टेलीग्राम पर ही पहले आपको मिलता है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक दो वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, लेकिन इसको भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लर्निंग के कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ट्रेड ओपन की थी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, काफ़ी अच्छी विन चल रही, और काफ़ी सेकेंड्स में हम जो है अपना प्रीवियस लॉस रिकवर कर लेंगे, प्लस प्रॉफिट में भी चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में जस्ट ट्रेड क्लोज होने वाली है, जस्ट वेट एंड वॉच गाइस। तो आप देख सकते हो हमारा काफ़ी अच्छा ग्रीन क्लोज हो चुका है, यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है फाइनली गाइस। तो हम अब जाते हैं अपना वो ट्रायंगल चेक करते हैं कि हमारा क्या ट्रायंगल सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो वीडियो को ध्यान से देखते रहो, एक एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट मिस करोगे तो नुकसान आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो ट्रायंगल हमारा ब्रेक हो चुका है, हमने डिस्कस किया था, ये अप में ब्रेक करेगा तो हम आपका ट्रेड लेंगे, अगर डाउन में ब्रेक करेगा तो हम डाउन का ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तब तक मैं कुछ दूसरे करेंसी पेयर्स देख लेता हूँ, क्या उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे कहीं दूसरी जगह पर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसमें ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हम इसी ट्रायंगल के बेस पर ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो मुझे कोई खास यहाँ पर मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, बट हमारे पास एक ऑलरेडी ट्रायंगल है भी ट्रेड करने के लिए काफी अच्छा, जिसका लेवल काफी नीचे है। तो मैं यहां पर थोड़ा दूसरा जो है पेयर वगैरह चूज करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर देखो अब डेफिनेटली हम एक डाउन का ट्रेड ओपन कर रहे हैं। ठीक है, क्यों किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो यहां पर डाउन का ट्रेड ओपन करने का एक सिंपल सा रीजन ये था, वो जो ग्रीन कैंडल की कैंडल आप देख रहे हो, ग्रीन कलर की कैंडल, वहां पर बायर्स ने आए, बायर्स लेकिन फिर से जो है नेक्स्ट कैंडल से वीक पड़ गए, मतलब चले गए, तो वहां पर छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी रेड बनी, उसके बाद और बड़ी बनी, तो फाइनली वहां से एक मोमेंटम चालू हो गया डाउन के लिए, और उस चीज का फायदा हमने उठाया है और हमने डाउन का ट्रेड ओपन किया, जो कि 2 मिनट का ट्रेड है और हम काफ़ी जल्दी विन करने वाले हैं गाइज। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ओपन किए हैं। यहाँ पर देखो मल्टीपल ट्रेड ओपन करने का सिंपल सा रीज़न यही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भरोसा है कि ये ट्रेड विन जाएगा। तो यही होता है एक जब अच्छा ट्रेडर सोचता है, अच्छा इन द सेंस कि जिसके पास मार्केट का कहीं ना कहीं नॉलेज है, तो वो एक इसी तरीके से सोचता है, वो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पर डेफिनेटली विन होगा। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो रैंडमली ट्रेड्स करता है, कहीं पर $10 की ट्रेड लगाता है, कहीं पर $1 की ट्रेड लगाता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस में ये होता है, आप में से सारे लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जो $10 की ट्रेड लगाते हो तो लॉस हो जाता है, वहीं जब $1 की ट्रेड लगाते हो तो विन हो जाता है। देखो ये बाई इंसिडेंट होता है, ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली आपके साथ ऐसा होता है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप रैंडमली ट्रेड्स लगा रहे हो, आप एज अ गैम्बलर हो। ठीक है, तो कभी भी किसी के टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो तो वहां पर कहीं ना कहीं अपना मनी मैनेजमेंट भी देखकर चलो। ठीक है, रैंडमली ट्रेड्स मत लगाओ, या फिर इक्वल अमाउंट सारे ट्रेड्स पर लगाओ एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन रैंडमली ट्रेड्स मत लगाया करो रैंडम अमाउंट्स के। अब यहां पर देख सकते हो हमने रिसेंटली जो है $50-$50 की ट्रेड, कहीं $100 का जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया था, लेकिन इस ट्रेड पर हमने कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट लगाया। क्यों? क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी है,
और वो सिक्योरिटी वर्क भी कर रहा है। आप देख रहे हो कितना मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। तो ये होता है मौके पर चौका मारना और काफ़ी अच्छा विन जा रहा है हमारा, ठीक है। इसी तरीके के वीडियोस और देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब के, और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लो कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो आज हमने जो है यहाँ पर 35,000 रुपीस का इनकम कर लिया है, जो कि काफ़ी होता है एक दिन के लिए। सो इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखना चाहते हो, ट्रेडिंग से कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लो टेलीग्राम पर। टिल देन मिलते हैं किसी नए वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून।